Hello dear children, welcome you all in today's English online class. Dear children, yesterday we have learnt about articles. ठीक है, articles क्या होते हैं? कल इसको explain किया था मैंने. So today we will do its book exercise. Look here, open page number 26. When we talk about one person, animal, place or thing, we use the article a or an. ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि singular noun के लिए हम a और an का use करते हैं. We use a before nouns that begin with consonants. Examples, a cherry, a mouse. ठीक है, कॉन्सोनेंट्स के आगे हम किसका यूज़ करते हैं? ए का. ठीक है, वी यूज एन बिफोर नाउन्स दैट बिगिन विद वॉल्स, ए ई आई ओ यू. एग्जाम्पल्स, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला. जो वर्ड्स वॉवल्स के साथ स्टार्ट होते हैं उनके आगे हम क्या यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं. ओके, सो Part A is circle 6 words in the word search. Write them in the correct clouds. Okay, here one word search is given, box is given, and here two clouds are given. Okay, we have to circle 6 words and we have to write accordingly. Okay, agar wo A ke hain to इस क्लाउड में राइट करने हैं, अगर उनके आगे एन यूज होना है तो वो इस क्लाउड्स के अंदर राइट करना. ठीक है, टू वर्ड्स आर ऑलरेडी रिटन, डक एंड एंट. ये देखिए, डक जो वर्ड है वो डी से स्टार्ट हो रहा है, डी एक कॉन्सोनेंट है तो हमने उसको ए के क्लाउड में रखा है, और जो एंट वर्ड है वो ए से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक वोवल है, इसलिए हमने उसको एन वाले क्लाउड में रखा है. So, next word we will circle, it's egg. ठीक है, it's egg. Okay, जो egg word है वो किससे start हो रहा है? E से start हो रहा है. ठीक है, egg word E से start हो रहा है, तो E क्या है? एक vowel है, तो हम उसको इसमें क्या करेंगे? Write कर. Okay, E double G, egg. Next word is nest. It's nest. Circle करेंगे इसको. अब देखेंगे कि जो nest word है वो n से start हो रहा है. n क्या है? Consonant है, तो हम उसको इस cloud में write करेंगे, nest, nest. Okay, our next word is, look here, U N C L E, uncle. ठीक है, U N C L E, uncle. जो uncle word है ये U से start हो रहा है, और U क्या है? हमारा vowel है. So we will write here U N C L E, it's uncle. Our last word is F R U I T, it's fruit. ठीक है, जो fruit word है वो किससे start हो रहा है? F से start हो रहा है, तो F एक consonant है, so we will write here F R U I T, it's fruit. Okay, now come on the next page. B part is tick A or N. Okay, यहाँ पे टू टू ऑप्शन दिए हुए हैं, ए एन ए एन. जो यूज होगा जिस वर्ड के आगे हमने उस पर क्या करना है? टिक करना है. ओके, सो फर्स्ट ड्रम वर्ड है, इसमें आगे ए यूज होगा तो यहाँ पे टिक किया हुआ है. सेकंड वर्ड इज फ्लावर. ठीक है, फ्लावर, फ्लावर का हम क्या करेंगे? फर्स्ट लेटर चेक करेंगे कि वो कौन सा है. तो फ्लावर का फर्स्ट लेटर एफ है. F क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के आगे हम क्या यूज करेंगे? A यूज करेंगे.
Okay, so we will take the word letter A. Third is father. Okay, father. जो father word है वो F से start हो रहा है वो भी. तो F क्या है? Consonant है. तो यहाँ भी क्या करेंगे? हम A पे tick कर देंगे. Number four, fourth word is plant. Plant word जो है वो P से start हो रहा है. P. P क्या है? एक consonant है. ठीक है, vowel तो five ही होते हैं. A, E, I, O, U. तो P क्या है? Consonant है. So we will tick on the A. Number five, it's bottle. Bottle word B से start हो रहा है. B भी क्या है? Consonant है. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? A पे tick कर देंगे. Number six, cloud. जो cloud word है वो भी किससे start हो रहा है? A से start हो रहा है. Sorry, C से start हो रहा है. तो इसके भी क्या करेंगे? हम A पे tick कर देंगे. Our next word is tree. ठीक है, tree. जो tree word है वो किससे start हो रहा है? वो T से start हो रहा है. तो T भी क्या है? हमारा consonant है. So we will tick here A. Our next word is oven. ठीक है, oven जो word है वो O से start हो. अब O क्या है? O हमारा vowel है. So vowel के आगे हम क्या use करेंगे? N use करेंगे. तो हम यहाँ पे tick करेंगे. Our ninth word is arm. Arm भी जो word है वो A से start हो रहा है. A क्या है? Yes, vowel है. तो हम क्या use करेंगे इसके आगे? N use करेंगे. Our tenth word is office. Office. Okay, office जो word है वो O से start हो रहा है. O क्या है हमारा? Vowel है. तो इसके आगे हम क्या use करेंगे? N use करेंगे. Okay, 11th letter is, 11th word is animal. ठीक है, animal जो word है वो किससे start हो रहा है? A से start हो रहा है. ठीक है, A हमारा क्या है? एक vowel है. तो हम an use करेंगे. 12th word is house. House जो word है वो H से start हो रहा है. तो हम H क्या है? H consonant है. So, we will tick on A. 13th word is hand. Hand जो word है वो H से start हो रहा है. तो H क्या है? एक consonant है. So, we will use A. Our 14th word is toothbrush. Toothbrush जो है वो T से start हो रहा है. T क्या है? T consonant है. So, we will tick on A. Our 15th word is ear. Ear word जो है E letter से start हो रहा है. और E क्या है? एक vowel है. So we will tick an. Understood? Now, C part is fill in the blanks with A or N. Okay? यहाँ पे blanks दी हुई हैं. हमने इन blanks को क्या करना है? A या N से fill करना है. Okay, so first is done. Meera drew dash insect and insect. हम क्या करेंगे? जो blank के पीछे वाला word है उसको check करेंगे. अगर वो word vowel के साथ start हो रहा है तो n use करेंगे. अगर वो word consonant के साथ start हो रहा है तो हम वहाँ पे a use करें. Okay, तो यहाँ insect जो word है वो आई के साथ स्टार्ट हो रहा है जो कि हमारा वोवल है. तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया है? ए. नंबर टू इज टॉम सॉ डैश गोट. अब डैश के बाद वर्ड क्या है? गोट. गोट का फर्स्ट लेटर क्या है? जी. जी क्या है? कॉन्सोनेंट है. ठीक है, सो वी विल यूज टॉम सॉ अ गोट. ठीक है, कॉन्सोनेंट के आगे हम ए यूज करेंगे. थर्ड इज विवेक लिव्स इन डैश हट. हट वर्ड एच से स्टार्ट हो रहा है. इसका फर्स्ट लेटर एच है. एच क्या है? यस, एच इज अ कॉन्सोनेंट. सो वी विल राइट हियर अ.
Vivek lives in a hut. Fourth is, Maria is wearing dash sari today. Dash ke baad kaun sa word hai sari? Sari ka first letter S. S is a consonant. Theek hai? So we will use here A. Maria is wearing a sari today. Fifth is, Nana is riding dash elephant. Elephant जो word है उसका first letter क्या है? E है. E क्या है? Vowel है. So we will use here N. Nana is riding an elephant. Number 6, Aslam is carrying dash umbrella. जो हमारा umbrella word है उसका first letter U है. तो U क्या है? एक vowel है. So we will use here N. Aslam is carrying an umbrella. Seventh is, Lakshmi is having dash jalebi. Dash के बाद word है jalebi. Jalebi जो word है वो J से start हो रहा है. और J क्या है? एक consonant है. So we will write here A. Lakshmi is having a jalebi. Eighth, a cow lives in dash shed. Shed word जो है वो S के साथ start हो रहा है. S consonant है. So we will use here A. A cow lives in a shed.